माय डियर स्टूडेंट हम कॉम्प्रीहशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव की थैंक यू लॉर्ड अल्लाह तेरा शुक्र है आज हम उसमें करेंगे राइट अ पैराग्राफ अबाउट द फाइव सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमने हवा से खमसा के बारे में तहरीर करना है फाइव सेंसेस फाइव जो हैं वो पांच को कहते हैं सेंसेस हवास को कहते हैं ह्यूमन बॉडी जिसमानी इंसानी जिस्म को वी हैव फाइव सेंसेस हमें अल्लाह ताला ने साइट देखने को आँखें दी हैं सूंघने को नाक दी है टच हम छू कर चीज़ों को पहचान सकते हैं हमें ज़बानत की है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं चीज़ें और हेयरिंग कानों से सुन सकते हैं यानी हमारे पास फाइव सेंसेस हैं साइट स्मेल टच हेयरिंग एंड टेस्ट ये बेसिक सेंसेस हैं वही है फाइव सेंसिस दैट हेल्प अस थ्रू आउट ईच एंड एवरी डे ये फाइव सेंसेस हमें सारा दिन हमारी मदद करती हैं रोज फॉर ईच ऑफ दि सेंसिस द ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प आस यूज़ ईच डिफरेंट सेंस हर एक सेंस के लिए इंसानी जिसम में मुख्तफ अज़ा हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हुए इनको Uh, महसूस करते हैं फॉर साइट वी यूज़ आवर आइज़ देखने के लिए हम आँखें यूज़ करते हैं फॉर टेस्ट वी यूज़ आवर हमारी जो ज़बान है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जायका रखा है फॉर टच वी यूज़ योर स्किन एंड हैंड्स और हम अपने जो है हाथ और जिल्द जो है उसे टच के लिए छूने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर स्मेल नोज नाक जो है हम smell के लिए करते हैं. फॉर हेयर और सुनने के लिए हम अपने कान इस्तेमाल करते हैं हाउ द आई वर्क आंख कैसे काम करती है आपने देखा होगा कि जो कोई चीज जैसे ये सेब है ये हमारा आँख के पर्दे के ऊपर एक इमेज बनाता है फिर वो वहाँ से ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारे दिमाग में जाता है जिसको विजुअल कार्टेक्स कहते हैं और इस तरह से रोशनी जो हमारे दिमाग को पहुँचती है वो एक इमेज में कन्वर्ट होती है जैसे हमारी आई के जो है आँख जो मुँह है उसके ऊपर दो आंखें हैं और आंखें जो है हमारी खोपड़ी के अंदर एक आ, ऑर्बिट होता है उसके अंदर पड़ी होती है इसमें हमारे पास जो है वो कॉर्निया है फिर हमारे पास लेंस है फिर स्क्लेरा है और फिर ऑप्टिक नर्व है वो नर्व जो के ए, सिग्नल लेके दिमाग तक जाए। आप देखें कि आईज ट्रांसलेट लाइट इनटू इमेज सिग्नल्स फॉर द ब्रेन टू प्रोसेस आँख जो है वो लाइट सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुँचाती है और फिर ब्रेन हमारा उससे जो है वो प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है तो ये ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ऑक्सीपिटल लोब के ब्रेन में हिस्से में इंफॉर्मेशन जाती है इसी तरह ये हमारी टंग है और इसमें डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट हिस्से हैं स्वीट टिप पे है साल्टी दोनों अतराफ पे है सावर साइडों uh, पे बैक साइड पे और बिटर सबसे आखिर में है होम ऑफ द टेस्ट बर्ड द टंग इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ गस्टेशन गस्टेशन कहते हैं जायके को चखने की हिस को। तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे हजारों की तादाद में टेस्ट बर्ड सेल्स होते हैं हमारी टंग के अंदर उनमें फूड पार्टिकल जाते हैं जो नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और वहां से नर्व इम्पल्स लेके गट्री में जाती है इसी तरह सेंस ऑर्गन इन द स्किन आर ये हमारी स्किन है इसमें एपिडर्मस ऊपर वाले अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो एक एपिडर्मस होती है एक डर्मिस और एक हाइपोडर्मिस तो डर्मिस और हाइपोडर्मिस में मुख्तलिफ सेंस uh, ऑर्गन होते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं जो टच के लिए हॉट के लिए कोल्ड के लिए और पेन के लिए फ़र्क फर्क होते हैं और ये उनका कोल्ड uh, रिसेप्टर और वार्म रिसेप्टर हैं इस तरह जो चीज़ हमें ठंडी गर्म लगती है ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और नव को सिग्नल भेजते हैं और वो फिर ब्रेन तक जाते हैं जैसे ये uh, हमारा हाथ अगर किसी को हॉट चीज़ को लग जाए तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा हाथ ऊपर उठ जाता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो फ़ौर इस बात को सेंस करता है कि हमें गरमाइश पहुंची है तो वो हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा हाथ उठ जाता है तो हम ये स्पेशलाइज्ड खास रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में जर्द में जो के टच सिग्नल्स ब्रेन को भेजते हैं इसी तरह केमिकल्स इन द एयर स्टमुलेट सिग्नल्स द ब्रेन इंटरप्रेट स्मेल जो केमिकल्स uh, होते हैं वो नेजल कैविटी से ऑल्फैक्ट्री नव होती है जो बिल्कुल आ, हमारा जो दिमाग है वो नाक के ऊपर ही होता है तो डायरेक्ट ऑल्फैक्ट्री नर्व के सेल जो होते हैं वो दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में पड़े होते हैं तो केमिकल्स उनको स्टिमुलेट करते हैं जिससे हम सूंघने की हिस्सा हमारी काम करती है इसी तरह ये है ईयर यूज बोन्स एंड फ्लू टू ट्रांसफॉर्म साउंड वेव्स इनटू साउंड सिग्नल्स आप देखें कि ये साउंड वेव्स जो हैं ये अंदर जाती हैं ये ड्रम को स्ट्राइक करती हैं ये ड्रम के ऊपर तीन छोटी छोटी बोन्स लगी हुई हैं और फिर वो इनर ईयर के अंदर एक uh, कॉकलिया होता है उससे फिर सिग्नल जो हैं वो हमारे ब्रेन में जाते हैं इस तरह से हम साउंड आवाज सुनते हैं Humans हैव फाइव बेसिक senses: टच साइट हेयरिंग स्मेल And taste. The sensing organs associated with each sense send information to the brain to help us understand and perceive the world around us. We can use all five of our senses at the same time without even realizing it. The eyes translate light into image signals for the brain to process.

हमारा फाइव सेंसेस के बारे में तो देखें कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए नमाज के ज़रिए हम अल्लाह का थैंक थैंक यू करते हैं कि उसने हमें फाइव सेंसेस से नवाजा जिससे हम अपनी दुनिया से लुफ़ानंदोज होते हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत मिलने पे अदा चाहिए और अल्लाह की भेजी हुई कुरान को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए ताकि हम सीधे रास्ते पे रवा दवाओं अल्लाह कहता है तुम तो मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा मेरा शुक्र अदा करो और मेरी ना शुक्री मत करो यही आपको सबक पसंद आया होगा इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें